हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ गुइलेन-बेरे सिंड्रोम विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाइनल प्रॉफ्स के लिए और पीजी के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द GBS. वी कैन से टाइप्स या फिर वेरिएंट्स ऑफ द GBS, राइट. सो फर्स्ट वेरियंट इज एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमायलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी. एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमायलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, राइट, इज द मोस्ट कॉमन वेरियंट. सेकेंड वेरियंट इज एक्यूट मोटर एक्जोनल न्यूरोपैथी. ठीक है, सिर्फ मोटर कॉम्पोनेंट होगा इसके अंदर, इसलिए हम इसको ये बोला. थर्ड पॉइंट इज एक्यूट मोटर सेंसरी एक्जोनल न्यूरोपैथी, AMSAN, एक्यूट मोटर सेंसरी एक्जोनल न्यूरोपैथी. एंड लास्ट इज मिलर फिशर सिंड्रोम, राइट. नाउ अब हम बात करेंगे इसकी इटियोलॉजी के बारे में. एंड उससे पहले मैं आपको एक केस दे रही हूँ. एक 40-year-old मेल है. वाई मेल? क्योंकि मेल इसमें ज़्यादा होते हैं फीमेल से, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस. बट एज हम ये नहीं कह सकते पर्टिकुलरली 40 years, बट या मीन एज इज 40 years, राइट. मेल्स आर मोर कॉमनली इफेक्टेड देन फीमेल्स. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ड्यूरेशन, और वी कैन से प्रोग्रेशन. ठीक है, सो ड्यूरेशन की बात अगर हम करें, ठीक है, तो ये बात, ये पॉइंट ध्यान से सुनना. हमारी ये टाइमलाइन है, ठीक है, एंड दिस इज़ योर 4 weeks एंड दिस इज़ योर 8 weeks. इस 4 weeks के कंसेप्ट से, ये 4 word जो है, 4 number, इसके कंसेप्ट से हम डिसाइड करेंगे ये डिसीज़ जो है ये एक्यूट होने वाली है, सब एक्यूट होने वाली है या क्रॉनिक होने वाली है. सो 4 weeks से लेस देन डिजीज़, मोस्ट कॉमनली जो एक AIDP है, जो एक्यूट है, वो आपकी 4 weeks पे ही प्रेजेंट करती है. 4 to 8 weeks, आई मीन मोर देन 4 weeks जो डिजीज़ है वो आपकी सब एक्यूट होती है, और मोर देन 8 weeks वाली डिजीज़ को हम क्रॉनिक कहते हैं, राइट. सो ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू नो इज़ कि ये डिजीज़ एक्यूट ऑनसेट जो टिपिकल है, जो मोस्ट कॉमन है, AIDP, ठीक है, वो कैसे प्रेजेंट करेगा. तो इनिशियली जो इसके सिम्टम्स का ग्राफ होगा वो बहुत धीरे धीरे राइज करेगा, जैसे कि मैं आपको क्लिनिकल फीचर्स बताऊँगी. और एकदम से यू नो विद इन वन टू टू डेज हमको सीधा इसका एकदम मेजर इम्पैक्ट दिखेगा. तो ये इसका मोस्ट कॉमनली ग्राफ होता है ऐसा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब हम बात करेंगे इटियोलॉजी की. अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, इफ यू डिस्कस अबाउट इटियोलॉजी, द मेन वर्ड, द मेन थिंग जो एक्सप्लेन करती है इसकी इटियोलॉजी, वो है मॉलिक्यूलर मिमिक्री, राइट. सो एक्सप्लेनिंग दिस थिंग, सबसे पहले हमारी बॉडी में एक प्रायर इन्फेक्शन, एक एंटीसीडेंट इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, और ये इन्फेक्शन जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है दैट विल बी क्रॉस रिएक्टिंग विद योर, यू नो, क्रॉस रिएक्ट ऑर्डर है, तो ये क्रॉस रिएक्ट करता है हमारी बॉडी में माइलिन के साथ. क्यों सिर्फ माइलिन के साथ? क्योंकि माइलिन के पास गैंग्लियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. गैंग्लियोसाइट एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रिगर्स इन आर बॉडी, देर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रिगर्स दैट विल कॉजिंग द जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी. फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन ट्रिगर इज बाय कंपाइलोबैक्टर जेजनाई. सो सेकेंड ट्रिगर that you need to learn is cytomegalovirus CMV, Epstein-Barr virus EBV, hepatitis A and B, HIV, mycoplasma and Zika virus. All these are acting as triggers, well known triggers. History, presenting history, most common presenting history is diarrhea. Moving forward towards the clinical features, but before that I want to tell you about a key point. So this is your dorsal root ganglion, this is your sensory root, this is your spinal cord, this is your anterior horn cell, this is your motor root, and they combines to form mixed nerve, that is spinal nerve root, that is called as radical. Major point in this GBS is not equal to polyneuropathy, but GBS is equals to polyradiculoneuropathy. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि
रेडिकुलर टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रेडिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस रेडिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज रेडिकल से मतलब ये है कि ये रेडिकल, प्लेक्सस, नर्व्स, हर चीज़ इन्वॉल्व करेगा. ठीक है, तो इससे, इस वजह से हमारा जो मेन क्लिनिकल फीचर्स आएंगे ना, वो हमारे उस पर इम्पैक्ट आएगा. राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लिनिकल फीचर्स. सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लिनिकल फीचर, दैट इज़, कम ऑन, देर इज़ अ रेडिकल पेन. रेडिकल पेन से मतलब है बैक पेन प्रेजेंट होगा पेशेंट को. और ये वाला बैक पेन जो है, दिस विल बी प्रेजेंटिंग एज यू नो टिंगलिंग एंड नंबनेस, एंड इट इज़ 2 to 3 days प्रायर टू द वीकनेस. ठीक है, तो 2 to 3 days प्रायर टू द वीकनेस. सेकेंड पॉइंट इज, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते दे दिस पेन विल गोइंग टू प्रोग्रेस फ्रॉम प्रॉक्सिमल, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, जो कि हमें एक्सोनल में दिखना है. हमारी पुरानी वीडियोस में पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मैंने ये चीज़ डिस्कस करी है कि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है 2 types की होती है, एक्सोनल एंड डीमायलिनेटिंग. जो एक्सोनल होती है उसमें मोस्टली डिस्टल टू प्रॉक्सिमल प्रोग्रेस करती है वीकनेस, और इसके अंदर डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल दोनों डिफ्यूजली प्रोग्रेस करेंगी. राइट, प्रॉक्सिमल प्लस डिस्टल वीकनेस. ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट करती है, लोअर लिम से स्टार्ट करेगी, देन इट विल मूव टूवर्ड्स अपर लिम, एंड देन इट विल मूव टूवर्ड्स दी ब्रेन स्टेम. राइट, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. थर्ड पॉइंट दैट आई नीड टू टेल यू अबाउट दिस इज रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट. रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट जो है वो मेजर पार्ट है. आप इस डायग्राम में देखिए, सी यहाँ पर लोअर लिम्ब से ये ट्रैवल करके अपर लिम्ब की तरफ जा रहा है, और बीच में आपको यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी डायफ्राम दिख रहा है. दिस इज़ बेसिकली, ये एक कॉज ऑफ डेथ बन सकता है. क्या? रेस्पिरेटरी फेलियर. रेस्पिरेटरी फेलियर अगर मैं बात करूँगी ना कि गुइलेन-बेरी सिंड्रोम में रिलेटिवली मोर्टैलिटी रेट इज़ 10 to 15% एंड रिकवरी रेट इज़ 80 to 85%. राइट, लेकिन अगर मोर्टैलिटी हो रही है तो वन ऑफ द मेजर कॉज इज़ रेस्पिरेटरी फेलियर. राइट, वन ऑफ द मेजर कॉज इज रेस्पिरेटरी फेलियर. राइट, सो कम टू द नेक्स्ट थिंग. सो रिलेटिवली मोर्टैलिटी रेट इज़ 10 to 15% और रिकवरी रेट इज़ 80 to 85%. तो जो कॉजेज़ होते हैं मोर्टैलिटी रेट के, वन ऑफ द मेजर कॉजेज रेस्पिरेटरी फेलियर. ठीक है, और सेकेंड कॉज जो होता है रेस्पिरेटरी फेलियर का, वो होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिम्टम्स. राइट, इसकी वजह से हमारे काफ़ी ANS सिम्टम्स जो होते हैं, कौन से, लाइक ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, यू नो हाइपरटेंशन भी मिलता है हमें, लाइक और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में बहुत सारे फीचर्स जो भी हमारे ANS के सिम्टम्स होते हैं, दिस विल lead to dysautonomia, and this dysautonomia will causing the death. Right, respiratory muscle failure. Fifth point is, humko as the disease progress hamare sare reflexes chale jate hain, so we will be seeing areflexia or loss of reflexes, then flaccidity, paraparesis, और फाइनली जब ये अपर लिंग को भी इन्वॉल्व कर लेगी, दीज ऑल विल लीड टू क्वाड्रीप्लीजिया. राइट, डन. नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए कि सेंसरी फाइंडिंग्स जो हैं वो काफ़ी मिनिमम है. ठीक है, यू नो सेंसरी में टिंगलिंग सेंसेशन से शुरू हुआ ये डिजीज़, और जैसी ये शुरू हुई उसके बाद ये मोटर में बदल गई, मोटर फाइंडिंग्स आने लग गई, लाइक देर इज़ यू नो डिस्टल वीकनेस, प्रॉक्सिमल वीकनेस, ऑल टुगेदर लीडिंग टू लोअर लिम, फिर अपर लिम, फिर ब्रेन स्टेम में चली गई, रेस्पिरेटरी मसल फेलियर एंड ऑल. नाउ वी आर कंसिडरिंग द नेक्स्ट थिंग्स जो कि इसके अंदर हो रही है. जैसे कि हमें पता है कि इस डिजीज़ के अंदर ANS सिम्टम्स इन्वॉल्व हैं, ब्लैडर बॉवल सिम्टम्स हैं, नो सेरिब्रल फाइंडिंग आर देयर, नो हायर मेंटल फंक्शंस इन्वॉल्वमेंट, लेकिन इसके अंदर साथ क्रेनियल नर्व पैल्सीज हमें दिखेंगी. कौन कौन सी क्रेनियल नर्व, लाइक 9th, 10th, 11th, इधर से स्टार्ट करेगा, फिर हमें 7th दिखेगी, और उसके बाद लेटर ऑन वी विल सी 3rd, 4th एंड 6th. राइट, ये सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स. नाउ अब मैं आपको एक केस दे रही हूँ टिपिकल, यू जस्ट हैव टू टेल. अब ये एनी यंग पेशेंट, ओके फाइन, मैं लिख देती हूँ ये आपके लिए. ठीक है, मैं आपके लिए लिख रही हूँ. राइट, सो आई एम राइटिंग अ केस. Any young
or we can say elderly patient with acute onset, like say 1 to 2 days, with history of sensory symptoms like tingling sensation, back pain, paresthesias, ये सारी चीज़ें present हैं, and these are followed by, you know, this is acute onset 1 to 2 day before, or followed by again acute onset areflexias, weakness, flaccidity in muscles, right, lower limb especially, then followed by upper limb, motor symptoms आने लग गए, and फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, this is followed by ANS symptoms present, like, you know, hypotension, bradycardia, urinary incontinence. Then you must have to think about GBS, right? Am I clear to you, everyone? Right. Now, अगर मैं GBS की बात करूँ, GBS की एक मैं equation create करूँ, तो मैं ये कहूँगी ascending, acute onset, ascending weakness. Acute onset ascending weakness plus loss of reflexes या फिर a reflexia, this will be equivalent to GBS, right? Done. So now we are discussing diagnostic criteria. The first test that we need to do is nerve conduction studies or electromyography. इसके अंदर, क्योंकि ये demyelinating disorder है, तो इसके अंदर nerve conduction velocity decrease होगी, latency decrease होगी, FH waves जो कि सिर्फ demyelinating disorder में इफेक्ट होते हैं, they will be prolonged और they will be absent, right? The next is lumbar puncture. ये lumbar puncture हम वैसे बहुत करते नहीं हैं, क्योंकि GBS जो है वो एक ऐसी acute onset disease है जिसको हम पहले detect करके, जितनी जल्दी हम detect कर पाएं, you know, it's basically the matter of timing. तो अगर हमने उसे जल्दी डिटेक्ट कर लिया, हम उसको जल्दी ट्रीट कर पाएंगे और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा. जितनी ज़्यादा वीकनेस बढ़ती जाएगी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट दैट पेशेंट. तो लंबर पंचर कराने का इतना टाइम नहीं होता है, बट स्टिल इट इज़ एन इन्वेस्टिगेशन, एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. लंबर पंचर इन CSF हमें प्रोटीन्स इंक्रीज मिलते हैं, सेल्स आर नॉर्मल एंड दे आर लेस देन 10 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब. नाउ दिस इज अ देर इज़ अ कंसेप्ट कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन. क्यों कहते हैं हम इसको और ये क्यों होता है? सिंस दिस डिजीज़ इज़ पॉलीरेडिकुलो न्यूरोपैथी, रेडिकल इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो रेडिकल जहाँ भी इन्वॉल्व होता है वहाँ पे प्रोटीन्स लीक होते हैं, और प्रोटीन्स लीक हो रहे हैं, सेल्स बिल्कुल लीक नहीं हो रहे CSF के, तो देयर विल बी इंक्रीज in proteins and there will be albuminocytological dissociation. Very important concept. Again, the next third is PFT. What? PFT, right? So next feature is PFT. PFT के according हम pulmonary function test क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमें देखना है respiratory muscles involved हैं या नहीं, and they will be predicting your mortality. So now we are going to talk about antibodies that is present in various variants of GBS, right? So first and foremost is acute inflammatory demyelinating polyneuropathy. So here it is the most common variant. So the most common antibody is anti-GM1 antibody. Now this anti-GM1 antibody means gangliocyte, right? Now talking about AMAN, this has same prognosis, and the antibody is anti-GD1A antibody, right? Talking about AMSIN, it has poor prognosis, it does not contain any antibody. AMSIN has both motor and sensory component. Talking about Miller-Fisher syndrome, it is very important, it has a triad of ophthalmoplegia, ataxia and areflexia, right? So you must learn this. And it contains anti-GQ1B antibodies. So now we are going to talk about management part. Management of GBS includes following aspects. See, अगर प्रॉफ में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा जो मैंने स्टार्टिंग से लिखा है, बट फॉर PG यू जस्ट नीड टू नो वट इज़ एग्जैक्ट ट्रीटमेंट, वट इज़ वी गोन डू, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम बात करते हैं अर्ली मैनेजमेंट की, तो हम वील चेक एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एज वी डू, बिकॉज रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, देयर कैन बी इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, देन सो वी हैव टू
put patient on ventilation, right? We have to check vitals. Most important point is that steroids are not useful. Okay, never ever give steroids. They have no role in the GBS. Now the next point is the most important drug that you need to know. It's not a drug, but it is IV immunoglobulin. You need to remember the dose, 0.4 gram per kg into, we have to give it for 5 days. Or agar ye nahi hai because it is very costly, so we can give plasma exchange too. But remember, प्लाज्मा एक्सचेंज जो होता है उसके साथ साथ हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लाइक वी हैव टू डील विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपोकैल्सीमिया, राइट? सो वी हैव टू गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट अलॉन्ग विद इट, एंड वी ऑल्सो हैव टू चेक यू नो प्लेटलेट काउंट, WBCs, ऑल दैट स्टफ, राइट? सो यू कैन एड दिस ऑन योर आंसर्स टू. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट 10-15% इज the mortality rate and 80-85% is recovery, right? So with this we have done the management part. Now the next point I want to tell you is about the difference between acute onset and chronic onset demyelinating polyneuropathy, right? AIDP is basically a variant of GBS, as you all know, and now we are talking about these two difference. Okay, so first thing that you need to know is again onset mein maine wo graph bataya tha aapko, acute, subacute and chronic ka. So we all know that less than 4 weeks hoga to acute hoga, more than 8 week hoga to chronic hoga, theek hai. Antecedent infection ki baat kare to you all know present kis mein hota hai, acute mein there is no such infection found in chronic, to is wajah se iska course rehta hai relapsing remitting pattern, right? Now talking about the third point, motor predominant. तो मैंने आपको बताया ही था कि demyelinating disorder जो होता है वो motor finding उसमें ज़्यादा मिलती है sensory से, ठीक है? So लेकिन AIDP में तो motor मिलेगी core, लेकिन chronic में हमें motor plus sensory दोनों मिलेंगे. So sensory findings भी मिलेंगी chronic में, you must remember. But motor तो हमेशा ही ज़्यादा मिलेगी, right? Motor findings कौन कौन सी हैं? Areflexia, flaccidity, quadriparesis, you know, ये सारी. सेंसरी फाइंडिंग्स में हमेशा याद रखना लार्ज फाइबर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी. लार्ज फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स इन्वॉल्व होंगी तो उसके अलग प्रॉब्लम होंगे, जैसे कि डिस्टल टू प्रॉक्सिमल वीकनेस प्रेजेंटेशन हमें दिख सकती है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, अगेन ANS सिम्टम्स किस में प्रेजेंट ज़्यादा होंगे? एक्यूट में. क्रॉनिक में नहीं मिलते. बल्बार इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि फेरेंजियल मसल्स, यू नो, इस ये भी इन्वॉल्व किस में मिलेंगी हमें? एक्यूट ऑनसेट में, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिमेंटिंग पॉलीन्यूरोपैथी में. क्रॉनिक में नहीं मिलेगी. कॉजेज़ क्या है? ये हमें कॉजेज़ की मैंने आपको लिस्ट दी थी एक्यूट की. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज़ कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, अदर कॉजेज आर EBV, हेपेटाइटिस ए बी, CMV, राइट? आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट, जिंका वायरस. सिमिलरली क्रॉनिक में हमारे जो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट कॉज है इडियोपैथिक. और अपार्ट फ्रॉम इडियोपैथिक अगर हम अदर कॉजेज की बात करें तो वी हैव HIV, हॉजकिंस एंड प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्लाज्मा सेल डिजीज, ठीक है? प्लाज्मा सेल डिजीज़ को मत भूलिएगा. नेक्स्ट इज ट्रेमर्स. अब सब कुछ तो हमें एक्यूट में मिल गया. क्या क्या? एंटीसिडेंट इन्फेक्शन, मोटर प्रिडोमिनेंस, ANS सिम्टम, बल्बार इन्वॉल्वमेंट, ठीक है? कॉज भी इवन एक्यूट में ही ज़्यादा माना जाता है, क्रॉनिक में एडियोपैथिक है. ये सारे फीचर्स एक्यूट में है. ट्रेमर जो है वो हमें क्रॉनिक में मिलता है. सो रिमेंबर, ट्रेमर जो है वो क्रॉनिक में मिलता है हमें मोस्ट कॉमनली. द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट की बात करें तो अगेन हमने एक्यूट का ट्रीटमेंट तो डिस्कस कर ही लिया था, IVIG प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे, ठीक है? और क्रॉनिक के लिए यू मस्ट रिमेंबर स्टेरॉइड्स आर अनरिस्पॉन्सिव इन एक्यूट केसेस, बट हेयर इट इज़ रिस्पॉन्सिव. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि स्टेरॉइड्स आर रिस्पॉन्सिव, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज IVIG और प्लेक्स, वही हम सब देंगे, ठीक है, जो हम देते आ रहे हैं. सो दिस विद दिस ये मैंने आपको बता दिया. नाउ व्हाट आई वांट यू कि आप एक बार फोकस करें, आई हैव टेकन दिस फ्रॉम मैथ्यूज, ताकि आपका यू नो आपको कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर हो जाए ये क्वेश्चन प्रॉफ के लिए. सो लेट्स चेक दिस थिंग ऑल्सो, राइट? फर्स्ट थिंग इज GBS, इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम. ब्रीफ नोट ऑन GBS लिखो, या फिर पोस्ट इन्फेक्टिव पॉलीन्यूरोपैथी भी कहते हैं, AIDP तो कहते ही हैं, ठीक है? तो दिस इज़ द नेम्स, राइट? सो आई एम स्टार्टिंग. GBS इज़ बेसिकली कॉमनेस्ट एक्यूट डिमाइलेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है, जो कि ऑटो इम्यून होती है. सो पॉइंट इज ऑटो इम्यून, किसी भी एज में हो सकता है, एट एनी एज, वायरल इन्फेक्शन एटियोलॉजी. नाउ
पैथोजेनेसिस, एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस नॉट नोन. GBS जो है मोनोफेजिक इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ पेरीफेरल पेरीफेरल नर्व्स, ये सब आपको पता ही है. तो इसमें मल्टी फोकल डीमालिनेशन, मतलब कि क्या है, डीमालिनेशन हो रही है कहाँ पे, जगह जगह, डिफरेंट फोकाई जगह जगह पे विद इन्फ्लेमेशन. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है. मल्टी फोकल डीमालिनेशन विद इन्फ्लेमेशन इन कंडक्शन ब्लॉक, देयरफॉर NCS के डाटा में हमें डिक्रीज वेलोसिटी मिलती है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज GBS जो है कॉमनली, दिस इज अगेन एन इटियोलॉजी जो कि हमने कैम्पाइलोबैक्टर की बहुत बार बता चुकी है, ठीक है. दैट देयर इज एंटी गैंग्लियोसाइड एंटीबॉडीज दैट इज फाउंड इन 1/3 ऑफ द पेशेंट, और वो क्रॉस रिएक्ट कर जाएंगी विद द लाइपोपॉलीसेक्राइड दैट इज प्रेजेंट इन दी माइलिन विच इज गैंग्लियोसाइड्स, राइट. सो GM1 के साथ रिएक्ट करेगा, सो रीड इट. देन वी हैव बोथ सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यून मैकेनिज्म्स. इन्फ्लेमेशन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इस वजह से हमारे इसके नाम में ही इन्फ्लेमेशन है. क्लिनिकल फीचर्स अगेन एक्यूट डिसऑर्डर है, फ्यू डेज से वन मंथ मतलब कि फोर वीक्स तक प्रोग्रेस करेगा, ठीक है. यू मस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट, वो ग्राफ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे जाएगा और फिर एकदम से सिम्टम्स बढ़ेंगे. इट इज़ प्रीडोमिनेंट मोटर न्यूरोपैथी, यू नो दैट, वेरी इंपॉर्टेंट. देन सेंसरी फाइंडिंग्स मिनिमम होंगी. नाउ कंसिडर मिलर फिशर सिंड्रोम, ठीक है. मिलर फिशर सिंड्रोम में मैंने आपको बताया था ट्रायड एरिफ्लेक्सिया एटेक्सिया ऑफ थर्मोप्लेजिया विदाउट सिग्निफिकेंट लिम्ब वीकनेस और कैम्पाइलोबैक्टर जीना इन्फेक्शन, राइट. टॉकिंग अबाउट अदर वेरियंट्स, इसमें पहला है एमैन के अकॉर्डिंगली वही है, प्रोग्रेस करता है रैपिडली, इट्स प्रोग्नोसिस इज गुड, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन इज रेयर. सेकेंड इज एमसेन, राइट. सो इन दिस अगेन प्रोग्नोसिस इज पुअर, ठीक है. कोर्स की बात करेंगे, मसल वीकनेस ग्रेजुअली प्रोग्रेसेस ओवर 1 to 3 weeks एंड प्लैट्यूज ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज, ठीक है. 1 to 3 weeks से आपकी ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेगी और प्लैट्यू कर जाएगी कब, नेक्स्ट सेवरल डेज पे 2 weeks बिफोर ग्रेजुअली रिकवरी, ठीक है. फिर रिकवरी स्टार्ट होती है. तो 15% पेशेंट्स मैंने बताया था आपको, 70% पेशेंट्स बेसिकली माइनरली प्रॉब्लमैटिक होते हैं, 5 to 10% में मेजर इश्यूज आते हैं, 5 to 10 या 15% जो है मोर्टैलिटी रेट. नाउ इन्वेस्टिगेशन, वही 3 इन्वेस्टिगेशन है. सबसे पहली CSF प्रोटीन्स, एंड दिस इज बेसिकली द मेन पॉइंट इसमें क्या है, एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन. सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, डीमालिनेशन पैटर्न मिलेगा, वेलोसिटी की स्लोइंग होगी, राइट. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज एक्यूट इंटरमिटेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने आपको नहीं बताया. रूल आउट करना पड़ेगा हमें कुछ डिजीज़ को, कौन कौन सी, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, पोस्ट डिप्थेरिक न्यूराइटिस एंड ड्रग इंड्यूस्ड एक्यूट पॉलीन्यूरोपैथीज, ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए आपको. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है. ABC वेंटिलेट, पल्स मॉनिटर वाइटल्स, देन स्टेरॉइड्स नहीं देने हैं, प्लाज्मा फेरेसिस एंड IVIG इसकी डोज याद रखना, राइट. सो विद दिस आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ क्वेश्चन, राइट. सो लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन. अ वुमेन दैट कम्स टू एमरजेंसी आई है, बायलेटरल लेग वीकनेस प्रेजेंट है ओवर लास्ट फ्यू डेज, सो दिस इज एक्यूट ऑनसेट. नाउ शी हैज़ ऑल्सो लॉस्ट हर नी जर्क एंकल जर्क रिफ्लेक्सेस, वीकनेस स्टार्टेड इन फीट विच इज प्रोग्रेसिंग टू हर काल्व्स एंड देन थाइस. तो ये ऊपर आ रही है, राइट. सो दिस इज प्रोग्रेसिंग एंड गोइंग अपवर्ड. सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द मोस्ट अर्जेंट स्टेप. एज यू ऑल नो डायग्नोसिस आप सबने बनाई ली होगी, GBS. व्हाई GBS? बिकॉज वी ऑल नो GBS में हमारा एक्यूट असेंडिंग वीकनेस प्रेजेंट होता है प्लस ए रिफ्लेक्सिया, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसको सस्पेक्ट करना ही पड़ेगा. नाउ इफ यू आर सस्पेक्टिंग इन द इमरजेंसी क्लिनिक, सो व्हाट यू हैव टू डू, द मोस्ट अर्जेंट स्टेप, PFT, ABG, NCS, लंबर पंचर, पी फ्लो मीटर. सो सी अब देखो, ABG तो हम कर नहीं सकते, वाई वैसे ही यूजफुल है, CO2 एनालिसिस कर सकते हैं हम, रेस्पिरेटरी देख सकते हैं, बट इट कांट बी डन अर्जेंट, ये एकदम नहीं कर सकते. नर्व कंडक्शन स्टडीज अगेन इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप फॉर डायग्नोसिस, बट हेयर आर गोल इज नॉट डायग्नोसिस बट टू ट्रीट द पेशेंट. पेशेंट कैन बी मेजर इशू विद द पेशेंट कैन बी ऑफ इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, वी हैव टू डिटेक्ट दैट. इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए हमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराना पड़ेगा, राइट. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए हम एकदम कराएंगे उसको, हम FVC देखेंगे और FVC से हम पता लगाएंगे कि आर देयर मसल्स, इनहेलिंग मसल्स आर गुड और नॉट, राइट. सो वी हैव टू चेक वेदर इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर इज प्रेजेंट और नॉट, सो दैट वी कैन ऑप्ट फॉर द मेथड्स लाइक वेंटिलेटर एंड ऑल. लंबर पंचर हम नहीं कर सकते बिकॉज अगेन इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो इट वॉन्ट हेल्प मच एट दिस केस. पीक फ्लो मीटर इज अगेन नन ऑफ नन यूज. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द समरी, लिसन टू दिस गाइस. समरी इज अगेन ऑटो इम्यून डिजीज होती है GBS, जिसमें एंटीबॉडीज बन जाती है अगेंस्ट माइलिन, राइट. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट्स. और अगेन आई विल रिपीट, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई, राइट, इज द प्रायर इन्फेक्शन दैट इज एंटीसीडेंट इन्फेक्शन
Now diagnosis, ascending weakness plus areflexia plus mild sensory symptoms, and you know the graph, right? 4 weeks se come acute, 4 to 8 subacute, and more than 8 is chronic. The next point is mortality, जो करवाते हैं वो होते हैं respiratory muscle weakness and autonomic symptoms, right? तो ये dysautonomia and respiratory weakness. The next is diagnostic. Diagnostic में हमने बहुत बार discuss कर लिया NCS. NCS क्या कराता है? Obviously हमें velocity, nerve conduction velocity कम मिलेगी, latency कम मिलेगी, FH waves prolonged या फिर absent होंगे. CSF is basically एक हम number puncher देखेंगे. इसमें क्या होगा? Albuminocytogenic डिसोसिएशन, ठीक है, ये आपको पता ही है. देन PFT, अगेन PFT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, टू चेक वेदर देर इज एन इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर और नॉट, बिकॉज इट विल कॉज मोर्टैलिटी. नाउ ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड्स एंड IVIG. सो दिस इज योर समरी गाइज, राइट? आई होप आई एम एबल टू क्लियर योर कंसेप्ट, एंड विद दिस आई एम एबल टू टेल यू, ठीक है. इसके नोट्स मैं आपको PDF में बना के नीचे दे दूँगी, राइट? थैंक यू गाइज.